चढ़ा देते हैं, वो जितने चढ़ाए हुए ना वो सब झूले सो वाले हैं, समझ रहे हैं आप? जैसा भी आपकी फैमिली अगर फरियाद कर दी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो झूले में झूलना, तो हो गया झूले में झूलना, लाकर जिसको जैसा अपनी कैपेसिटी है वो लाकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज अली वसीम शेख। आज भी हम गुलबर्गा में ही है और आज हम गुलबर्गा की एक बारगाह पर आए हैं। आपका नाम है हज़रत ख्वाजा अहमद दबीर। आप हज़रत ख्वाजा बंद नवाज के पहले खलीफा है और आप मज़ार शरीफ देख सकते हैं, तो आइए चलते मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते हैं। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात खादिम साहब से नहीं हो सकी, तो इसके लिए हमें दरगाह के जो करामात है और बाकी डिटेल्स है वो ज़्यादा पता नहीं है कुछ, तो हम खाली ज़ियारत का एक इस वीडियो बना दे रहे हैं, आप भी ज़ियारत कर लीजिए। तो नाज़रीन, आपका जो उर्स मुबारक है वो जनवरी के महीने में आता है, तो चांद की कुछ तारीख देख के वो उर्स मनाया जाता है, तो तारीख तो हमें पता नहीं लेकिन जनवरी के महीने में आपका उर्स मुबारक बनाया जाता है। और आप ये जो सामने देख रहे हैं ये आपकी बेगम साहिबा की और आपके बेगम साहिबा की, तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो मज़ार शरीफ है ये आपकी बेगम साहिबा की और आपके बच्चों की मज़ार मुबारक है, तो आइए चलते वहाँ भी ज़ियारत करते हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो मज़ार मुबारक है ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के पहले खलीफा साहब आपकी बीवी साहिबा की मज़ार है, मज़ार मुबारक है। ये देखिए, ये आपकी बीवी साहिबा की मज़ार मुबारक है। और ये जो मज़ार शरीफ है ये आपके औलादों की मज़ार मुबारक है। तो ये दरगाह भी गुलबर्गा में ही है। कुछ पढ़ दूँ ताकि वीडियो बड़ी हो जाए? नहीं।
कोई भी हाल औला इक्यावन जने ने 51 खाजा है। अच्छा 51 खाजा में जो 22 खाजा आए थे वो चीज़ को खाने के लिए। जैसे एक हजरत पहले 40 साल पहले किसी नाम के हजरत के नाम की खिचड़ी बनाकर गरम रख दिया, तो वो हजरत 40 साल के बाद आकर वो खिचड़ी खोल रहे तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट एकदम अभी आप गैस में से बनाकर लेकर आ रहे हैं, इतनी गर्म और फ्रेश खिचड़ी। ये बुज़ुर्ग लोग के मामले से, बुज़ुर्ग लोग के वसीले से बता रहे हैं हम आपको। ऐसे बुज़ुर्ग लोग के मामलात है, करामत है, ऐसे फैज़ होता है यहाँ से इस दरबारों से। और दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, गैर कौम, हमारे कौम, क्योंकि हमारे कौम तो हमारे कौम से ज़्यादा गैर कौम के लोग फैज़ हो के आते हैं, क्योंकि उन लोग की नीयत, उन लोग का तकादा, उन लोग के जो मामलात रहते अदब और तौर तरीके से आकर अपने अफजाए को जाहिर करके फैज़ हो के आते। ख्वाजा अहमद दबीर नाम है हजरत का, हाँ बंदा नवाज के खलीफे हैं आप, पहले खलीफे गुलबर्ग में आप सबसे पहले खलीफे हैं। खलीफे बोले तो कैसा होता मालूम, असिस्टेंट वशिष्टन आई जी पी जी वो जैसा रहता ना, मतलब गुरु तो पहले मुरीद, हाँ मुरीद अलग हो गया, खलीफे अलग होगा। खलीफे बोले तो खिलाफत दे दी आप, जिसे आप है ना आप मेरे उस्ताद है, मैं पूरा मुकम्मिल हो गया तो तुम क्या करे, पूरा जितना पावर है ना आप मेरे को अदा कर दिए। खलीफे बोले तो पूरा अदा कर देंगे, आदमी से नहीं है बुजुर्ग है आप भी ऐसे मालूम है, सब वही आलमी से हैं से सब है, लेकिन सबका है ना आप भी बुजुर्ग जितने भी पिए सबकी कादरी सिलसिला और कोई भी ऐसा एक पेड़ होता है, एक पेड़ 50 आगे होता है, रोल है ना 50 रोल है, एक मिनट शॉर्ट होता है, रहते जैसे 50 ग्राम भी झूला चढ़ा सकते, 100 ग्राम भी, मतलब एक तोला, दो तोला, चार तोला, जैसे आपको अल्लाह नवाजा है वैसा लाकर यहाँ पर लोग चढ़ा देते हैं। वो जितने चढ़ाए हुए ना वो सब झूले सो वाले हैं, समझ रहे हैं आप। जैसा भी आपकी फैमिली अगर फरियाद कर दी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो झूले में झूलना, तो हो गया झूले में झूलना, लाकर जिसको जैसा अपनी कैपेसिटी है वो लाकर बांध कर उसको पूरा चढ़ा कर मुकम्मल कर लिए सर, मतलब ये जितने भी बंदे हुए सब हुई इसमें मामला था ये। जी हाँ जी हाँ, औरतों को जाने की इजाज़त है, मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं है। और बहुत बड़े कुतुब और पाए के जो बुजुर्ग रहते ना, कुतुब और अब्दल, ये सब कुतुब और अब्दल पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग। कहाँ टांगे में आए क्या? ऑटो में है, दरगाह से आया बंदा नवाज से, वैसी रहता हूँ मैं भी दरगाह में, वहीं का गुलाम हूँ मैं भी। हाँ भाई मियाँ नाम है, बुलवा था गुलबरगा बोलता तुम तो समझो, तो जो ऑटो में है उसको पूछो आप मेरा नाम बताता दे, दरगाह में से रहता हूँ मैं पीछे। ये हजरत का है, ये शायद इनका भी आप फोटो ले सकते हैं, जो सज्जादे नशीन है। खोलो नहीं, नहीं वो खुल 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 गई है, ये आगे जो सज्जादे नशीन खिदमत गार जो है 2011 मतलब मुतबली बोले नहीं आप, वो मुतबली बोले तो कैसा होता मालूम है, पीढ़ी पूरा उसका, उसको पूरा इंचार्ज दिया गया। अब वो नहीं नहीं अपने आप को आगे से ज्यादा नशीन है, ये यहाँ के ख्वाजा अहमद दबीर के, ये नशीन है। तो कैसा हो जाता मालूम है, अब मुतबली बोले तो पूरा पावर आपके हाथ में आ गया, तो आप क्या करते हैं खिदमत करते करते नस्बत लगा लेते हैं साहब, ये हजरत की मजार। अच्छा
सब आपके अगर मतलब नहीं समझ रहे आप सब इससे पेड़ ही में से बोलते नहीं। अगर हम एक एक चीज़ का अगर एक एक जगह का नाम बोलते जाएंगे ना तो फिर वो अलग हो जाता। मतलब कैसे आपकी आल में से सब पीढ़ी में से। अच्छा, जैसा बंदा नवाज में जितने भी मुकाम देख रहे हैं ना आप, भव पोतर भव झोतर भव पोतरे के पोतरे पड़ पोतरे झर पोतरे, मतलब उनकी पूरी 24वीं पीढ़ी। अब जो गद्दी नशीन है 24वीं पीढ़ी के सजादे नशीन का। हाँ ऐसा पीछे ये करेंगे ये सब अल्लाह वाले लोग थे, ऐसा था। इन लोगों को समझने में क्या है, जो आशिक रहता ना वो समझ जाता, जो भी गाड़ा भैंस के आगे बीन बजाना हिसाब होता वो। हाँ लेकिन क्या है, बहुत कदीमे पाए के बुजुर्ग अहवालियाँ हैं यहाँ पर बारगाह गुलबर्गे में हमारे, बहुत कदीमी कुतुब और अब्दुल आस्थाने हैं जो गरीब नवाज से भी पहले ऐसे वलियाँ हैं यहाँ पर 900 बरस 850 बरस। जैसे बंदा नवाज गरीब नवाज को है ना, जैसे 808 बरस हुआ ना, 900 बरस पहले आए सो वलियाँ हैं यहाँ पर। मतलब गरीब नवाज से भी पहले वलियाँ हिंदुस्तान के अंदर में आए सो है, जैसे 900 हिजरी 900 बरस 850 बरस 100। मतलब ऐसे ऐसे अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ऐसा। हाँ तो नाज़रीन ये थी दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आपने हमारी कल्याण उरन और मीरा रोड दरगाह की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ऊपर आई बटन में भी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।